इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं दीप राज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। एक बार मैं गाड़ी से निकला, कहीं जा रहा था, अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। अचानक मुझे 3-4 लड़के दिखाई दिए जिनके शर्ट में स्किल इंडिया मिशन लिखा हुआ था। तो मैंने उन्हें बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि हम ही ठीक कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अब कोई था नहीं तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप ही ठीक कर दीजिए। उन्होंने 10 मिनट में गाड़ी ठीक कर दी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने स्किल इंडिया मिशन से मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग ली है। मैं दंग रह गया। तब मुझे विश्वास हुआ कि स्किल इंडिया मिशन के जरिए युवाओं के हुनर का विकास तो हो रहा है। इसी हुनर के विकास को दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में। लेकिन अभी सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। स्किल इंडिया मिशन के जरिए युवाओं की जिंदगी में आ रहा है फर्क। मोटर मैकेनिक बनकर कर सकते हैं अपने सपने साकार। हुनर के विकास से आई जिंदगी में बहार। ITI करके हो सकती है जिंदगी आसान। और अंत में देखिए कहां कहां है आपके लिए जॉब के अवसर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। दोस्तों, अभी मैंने आपको मेरे साथ घटी घटना के बारे में बताया। हमारे देश में गाड़ियों की तादाद तो बढ़ी रही है और इस वजह से मोटर मैकेनिक की डिमांड भी बढ़ रही है, चाहे वो 2-व्हीलर का हो या 4-व्हीलर का। जब हाथ में हुनर हो तो सफलता मिल ही जाती है। आइए देखते हैं। भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन की वजह से हर क्षेत्र में हुनरमंद युवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज हुनर के प्रति लोगों का नजरिया बदला है, जिसका फर्क अब सभी जगह नजर आ रहा है। समाज के हर वर्ग के लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। तो हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए भी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हरियाणा का ट्रेडिशन बंचारी के नगाड़े, जो कि बहुत ही मशहूर एक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है लोग, और हमारा कल्चर जिससे कि दिखाई देता है, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए कि उसको हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से ले जाएं, इंडिया के अन्य प्रदेशों के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्हें किस तरीके से प्रचारित प्रसारित कर सकें, जिससे कि हरियाणा का कल्चर भी आगे बढ़े। ऑटोमोबाइल क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में युवाओं के लिए नौकरी के बहुत सारे अवसर हैं। इस क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए युवा हुनरमंद होकर अच्छी नौकरी आसानी से पा सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद हमारे ट्रेनी एज एन अप्रेंटिस, एज एन टेक्निकल असिस्टेंट, एज एन असिस्टेंट क्राफ्ट्समैन बोल के जहाँ पर जाते हैं, डीलर्स, गराजेस, ऑथराइज डीलरशिप, यहाँ पर जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अगर युवा अच्छा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो उनके लिए अपना काम करने के भी अवसर होते हैं। यू नीड पैशन, मतलब एक पैशन मांगते हैं कि मैं ये चीज़ करेगा। नहीं तो बहुत जन कैसे है कि मैं काम, मतलब मैं एक ITI करूँ और एक अच्छा कंपनी के लिए काम करूँ, बट मेरा सोच थोड़ा अलग था कि मैं मेरा टैलेंट दूसरे के लिए क्यों दूँ, जब मेरे पास टैलेंट है तो आई विल, मतलब मैं खुद का बिजनेस, अगर ये अप्रोच है तो डेफिनेटली आप खुद का बिजनेस चला सकते हैं। बेसिकली अगर आप खुद का बिजनेस सेट करते हैं ना सर, आप खुद के अंदर एक टारगेट रखते हो कि मैं अभी ये महीने में इतना अचीव करना है, और आप स्ट्राइव करते हो, आपका लड़के लोग को मोटिवेट करते हो कि चलो हम लोग को ये सब चीज़ अचीव करना ही है साल, ये महीने में, और
ट्राई करते हो। युवाओं को हुनरमंद करने के कई प्रयास हर जगह किए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है लगातार बढ़ती गाड़ियाँ। आज दुनिया की हर बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में अपना कारोबार शुरू कर रही है, यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन यूनिटें लगा रही है, जिनमें बड़ी तादाद में हुनरमंद युवाओं की जरूरत महसूस की जा रही है। इस कोर्स में ज्यादातर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिए जाते हैं, जिसको हम 70% बोलते हैं, और थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन, जिसको हम अंडरपिनिंग नॉलेज बोलते हैं, उसे 30% दिया जाता है। और इस कोर्स में हम हमारे बच्चे को ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिस पर लाइव व्हीकल, लाइव सिचुएशन में इनको फेस किया जाता है, जिससे कि उनके कारागरी और अच्छी बनती है और ये अच्छे कारागिर आगे बन सकते हैं। इसी स्किल गैप को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है स्किल इंडिया मिशन के जरिए। यहाँ पर युवाओं को कोर्स के दौरान ही इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए उन्हें देश की जानी मानी कंपनियों में प्रशिक्षण दिलाने का काम किया जाता है, जिससे इन युवाओं को अच्छा अनुभव तो मिलता ही है, साथ ही आर्थिक मदद भी मिलती है, जो उनके करियर को संवारने में काफी मदद करती है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लासरूम के अंदर इनको बच्चों को बताए जाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जॉब ट्रेनिंग के दौरान इस ट्रेनिंग सेंटर में बताए जाते हैं, और ये बच्चे रूटीन में डेली बेसिस पे उन कंसेप्ट को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान शॉप फ्लोर पर रियल लाइफ में एक्शन में खुद करते हैं या किसी और को उन कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए देखते हैं, जिससे इनके वो गैप हैं रूटीन में डेली बेसिस पर पूरे होते रहते हैं। भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के प्रयास की वजह से आज देश में कौशल प्रशिक्षण के प्रति रुझान बढ़ा है। आज लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, और इसका फर्क भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे काम करना ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ के अकेडमिक टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं, और मेरे को कंपनी में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी स्किल इंडिया का प्रयास है आज देश आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपना मकाम बना रहा है। युवाओं को चाहिए कि सरकार के इस स्किल इंडिया मिशन से बड़ी तादाद में जुड़ें और देश की प्रगति में योगदान करें। वाकई स्किल इंडिया मिशन के जरिए विकास तो हो रहा है। सफलता और हुनर की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मोटर मैकेनिक बनकर कर सकते हैं अपने सपने साकार। हुनर के विकास से आई जिंदगी में बहार। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था, वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ अभी। अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार वो नौकरी का। तो ये रहे हमारे मामा, NAPS नेप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नेप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, तेजी से बढ़ती ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से मोटर मैकेनिक की डिमांड बढ़ रही है। स्किल इंडिया मिशन के जरिए मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग कैसे ली जाए, आइए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रयासों से आज हर सेक्टर के लिए अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल बनाकर युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में युवाओं को हुनरमंद बनाने का प्रयास ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल करती है, जो युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये लगातार बढ़ता भी जा रहा है।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सभी के लिए कुछ न कुछ करने के लिए जरूर है। फिर चाहे ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो या फिर कम पढ़े लिखे युवा, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके युवा इस क्षेत्र में आसानी से नौकरी पा सकते हैं। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने युवाओं के लिए इंडस्ट्री की मांग के अनुसार जॉब रोल तैयार किए हैं, जहां पर युवा आसानी से अपने लिए अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार जॉब रोल का चुनाव कर सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट अ फ्री एजुकेशन प्रोग्राम फॉर देम। उनका स्किल भी डेवलप होता है एंड इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो बेसिकली पीपल आर एबल टू गेट एजुकेटेड, वर्क, अर्न एंड गेट बेनिफिटेड बाय द एंटायर स्कीम। सो दैट इज द फंडामेंटल बेनिफिट which I think it's an excellent government program which has come out. Badhti industry mein demand hai kushal prashikshit yuvaon ki jo ki automobile industry mein alag alag tarah ke kaam kar saken. Inhi mein se ek hai motor mechanic jiski demand manufacturing unit, showroom ya workshop har jagah bani hi rehti hai. Motor mechanic banne ke liye isme kaushal prashikshan lena bahut zaruri hai jo ki desh ke कई आईटीआई संस्थान कराते हैं। इसमें प्रशिक्षण लेने के बाद युवा आसानी से नौकरी पा सकते हैं। आईटीआई में मोटर मैकेनिक का कोर्स युवाओं को टू व्हीलर से लेकर छोटे वाहनों की मरम्मत और मेंटेनेंस की पूरी जानकारी देता है। इसके साथ ही यहां पर कोर्स के दौरान ही इन्हें नैप्स के अंतर्गत ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है, जिससे ये युवा इंडस्ट्री में जाकर अच्छी जानकारी ले सकते हैं और अच्छी तरह से अपने हुनर का विकास कर सकते हैं। मोटर मैकेनिक बनने के बाद इनकी नौकरी की बात करें तो इसकी डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। देश में जिस तेजी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसी तादाद में प्रशिक्षित युवा इंडस्ट्री को मिलें, इसके लिए आईटीआई संस्थान भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। भारत सरकार का स्किल इंडिया मिशन तभी कामयाब होगा जब देश में आईटीआई जैसे संस्थान इसमें पूरा सहयोग करेंगे और देश के युवा इसका लाभ उठाएंगे। आईटीआई में कोर्स करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इससे युवाओं को नौकरी मिलने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती, और अगर वो अपना काम भी करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रशिक्षण का स्तर काफी अच्छा होता है। यह कोर्स 2 साल 1 साल 3 महीने इस तरह का इसका ड्यूरेशन है और इसका एडमिशन 8वीं पास 10वीं पास के लेवल पर होता है। अगर किसी को इस कोर्स में ज्वाइन करना हो तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, प्लस हम छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट उनका लेते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि उसे टेक्निकल एप्टीट्यूड है क्या और वो इस जॉब के बारे में क्या जानता है और उसे क्या बनना है, इसका हम प्रशिक्षण देते हैं उसे। हुनरमंद युवाओं को अच्छी नौकरी दिलाने में सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम्स बहुत मदद कर रही हैं, जिसका कारण है इसमें कंपनियों को सरकार से मिलने वाला आर्थिक सहयोग। इसका दोहरा फायदा मिलता है, एक तो युवाओं को अच्छा अनुभव मिलता है तो वहीं कंपनियों को भी अच्छे युवा आसानी से मिल जाते हैं। जॉब रोल की बात हो तो इसमें युवाओं के लिए कई सारे अवसर मौजूद हैं, जैसे एसेसरीज फिटर, ऑटो बॉडी टेक्नीशियन, ऑटो कंपोनेंट असेंबली फिटर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन लेवल, ऑटोमोटिव पेंटिंग टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव पेंट शॉप असिस्टेंट, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन आदि। इसके अलावा भी कई जॉब रोल हैं जिनकी जानकारी युवा सेंटर में जाकर या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वेबसाइट पर जाकर आसानी से ले सकते हैं। सरकार के प्रयासों से आज इंडस्ट्रीज भी स्किल इंडिया में भरपूर सहयोग कर रही हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सीएसआर इनिशिएटिव के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाने का प्रयास कर रही हैं, जिसका फर्क हर तरफ नजर आ रहा है। ये जो कोर्स है बेसिकली एकेडमिया और प्लांट में जो काम करते हैं प्रैक्टिकल, उसके एक कॉम्बिनेशन है। जो प्रोफेसर्स एकेडमिया पढ़ाते हैं और जो प्लांट प्रैक्टिस करता है, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप था, उसकी वजह से प्लांट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, जिसकी वजह से फैकल्टी को डेवलप किया गया उसके अकॉर्डिंगली। और जो रिक्वायरमेंट NSQF का है, उसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल, जेनरिक नॉलेज और जेनरिक स्किल, उसको भी दोनों इंडस्ट्री को और फैकल्टीज को समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, जिसकी वजह से हमने
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने का सोचा और एग्जीक्यूट करें। इसमें युवाओं को जहां एक अच्छे माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलता है, तो वहीं कंपनियों को भी अच्छे कैंडिडेट्स आसानी से मिल जाते हैं। हुनर और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आईटीआई करके हो सकती है जिंदगी आसान, और अंत में देखिए कहां कहां है आपके लिए जॉब के अवसर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। आजा बैठो बाबा। सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे, उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, युवा अगर चाहे तो आईटीआई से भी मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग ले सकता है। आईटीआई से ट्रेनिंग लेने के बाद युवा कैसे हुनरमंद बन सकता है और कैसे उसे अच्छी नौकरी मिल सकती है, आइए देखते हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। यही कारण है प्रधानमंत्री का सपना भारत को विश्व स्किल कैपिटल बनाना है, और ये तभी हो सकता है जब हमारे युवा कौशल प्रशिक्षित हों और अपने हुनर का विकास बेहतर तरीके से कर सकें। युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करने का काम हमारे आईटीआई यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बखूबी कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री में आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं की डिमांड हमेशा बनी ही रहती है। इंडस्ट्री की इन्हीं जरूरतों को समझते हुए 1961 में आईटीआई संस्थान शुरू किए गए थे। भारत में असंगठित क्षेत्रों और छोटे उद्यमों में रोजगार पैदा करने के लिए आईटीआई कोर्स सबसे आगे हैं। शुरुआत में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक और वेल्डर वगैरह कुछ कोर्स ही इसमें चलाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 150 से अधिक ट्रेडों को इसमें शामिल किया जा चुका है। वर्तमान में विश्व को करोड़ों की संख्या में आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त हुनरमंद युवाओं की मांग पूरे विश्व में बनी हुई है। आईटीआई का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करना है। में पहले जो बच्चे आया करते थे, आप उसको उसके स्किल को रैंप अप करने में नॉर्मली 9 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम लगता था, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट से आप जाइएगा तो आपका जो एम्प्लॉई आता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही इज इक्विप्ड विद ऑल द काइंड ऑफ स्किल्स, सो ही इज इंडस्ट्री रेडी। आईटीआई में कम पढ़े लिखे यानी 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा भी तकनीकी प्रशिक्षण लेकर अच्छी नौकरी पा सकते हैं। आईटीआई में प्रशिक्षित युवाओं को नैप्स और अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है, जो उनके काम में तो निखार लाता ही है, साथ ही उन्हें अच्छी नौकरी आसानी से मिल जाती है। I was always fascinated about cars. So I had a goal that मैं भी एक दिन ऐसे ही गाड़ी बनाना चाहता हूँ और ऐसे ही एक गाड़ी के बारे में कुछ नया डेवलपमेंट ऐसा कुछ कोर्स हो तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ। So then I got to know about this course. That St. Joseph was introducing this course to you. So when after my 12th, I directly came here. People are working under the live cars. Live cars in the sense the cars that are used or are running in running condition. So working under such cars comparatively to other ITIs, this is a very good opportunity to me to achieve my goal to become a very good technician ahead. ITI में प्रदान किया जाने वाला कौशल सर्टिफिकेट दुनिया भर में मान्य है, जिसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस कारण इस प्रमाण पत्र के आधार पर विश्व में कहीं भी आवेदन किया जा सकता है।
आईटीआई कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें प्रशिक्षण लेने के बाद युवा की नौकरी बहुत आसानी से लग जाती है। इसके साथ ही इसमें कई ऐसे ट्रेड भी हैं जिन्हें सीखकर युवा अपना काम भी आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बहुत कुछ सिखाते हैं यहाँ पे सर लोग, अच्छा अच्छा सिखाते हैं प्रैक्टिकल, जो भी रहेगा ब्रेक का, कौन सा भी कार का, जो भी है नया नया जो अपडेट आ रहा है मार्केट में वो भी सर हमें बताते हैं इधर पे सब कुछ, जैसा जैसा है अपडेट जो हो रहा है, नया कार आ रहा है सब कुछ, बाइक आ रहा है नया, बाइक के बारे में भी ट्रेड से अलग अलग जो रिलेटेड भी है वो भी हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। कम से कम 7-8 साल मुझे सीखने का है, प्रैक्टिस करने का है, फिर खुद का एक बिजनेस डालने का है। आज के दौर में जब भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो इन आईटीआई संस्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है जो युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करके इनकी जिंदगी को संवारने का काम कर रहे हैं। हुनरमंद होने के बाद आपको चाहिए होती है एक अच्छी नौकरी, जिसके लिए हम लेकर आते हैं अपना अगला सेगमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते कहां कहां नौकरियां निकली हैं और आप लोग कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। आइए, गेल इंडिया लिमिटेड में सीनियर इंजीनियर सीनियर ऑफिसर के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2018 है। अधिक जानकारी www.galeonline.com पर ली जा सकती है। भारत संचार निगम लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 26 जनवरी 2019 है। अधिक जानकारी www.bsnl.co.in पर ली जा सकती है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में आईटीआई ट्रेनी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 8 जनवरी 2019 है। अधिक जानकारी www.heclimited.com पर ली जा सकती है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DDAapKiBaat पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DDAapKiBaat पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आज हमने आपको मोटर मैकेनिक बनने की पूरी जानकारी देने का प्रयास किया ताकि हमारे युवा मोटर मैकेनिक बनने के सपने को साकार कर सके और कामयाबी की कहानी गढ़ सके। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन आज ही के समय इसी चैनल पे। तब तक मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत। सिर्फ डीडी नेशनल पर इंडिया का अपना चैनल।